हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्र कुमार सूर्यवंशी, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस कीप एट सम सेपरेशन। पिछले वीडियोज में हमने एक दूसरे से संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी देखा था। आज हम देखेंगे एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो लेंसेस की संयुक्त फोकस दूरी। दोस्तों, हमने बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको प्रीवियस वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे पतले लेंसों की संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज कीप एट सम सेपरेशन। तो सेपरेट जो लेंसेज रखे हुए हैं उन्हें उनकी हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने दो समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे लेंसेज की समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमने दो लेंस ड्रॉ कर लिए हैं। L1 व L2 दो लेंस ले लिया है हमने यहाँ पे, जो कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। और हमने मान लिया है जो L1 है इसकी फोकस दूरी F1 है, व L2 जो लेंस है इसकी फोकस दूरी F2 है। यहाँ पे H1 ऊंचाई पर OA एक रेज आपतित हो रही है मुख्य मेन एक्सेस के H1 ऊंचाई पर, जिसे हमने इंसिडेंटल रेज नाम दिया है। आपतित किरण AB जो कि अप डिस्ट्रक्टेड होकर यहाँ पे पॉइंट ए से यहाँ अपवर्तित हो जाती है, विचलित हो जाती है और डेल वन से यहाँ विचलित होती है और AB दिशा में चली जाती है, जिसे हमने रिफ्रैक्टेड रेस अपवर्तित किरण नाम दे दिया है AB दिशा में। अगर यहाँ पे जो लेंस L2 नहीं होता तो यहाँ F2 पर इसका प्रतिबिंब बनता, लेकिन लेंस L2 द्वारा पॉइंट बी पर यहाँ अपवर्तित होकर अंतिम प्रतिबिंब F2 पर बनाती है। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पॉइंट A2 से आती हुई प्रतीत होती है, तो हमने मेन एक्सेस पे A2H2 एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया है। और अगर हम संपूर्ण विचलन दोनों लेंसेज का देखें, अगर हम इन दोनों लेंसेज की समतुल्य फोकस दूरी अगर माने तो अंतिम प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे संपूर्ण विचलन डेल जो कि पॉइंट A2 पर है, डेल जो एंगल पॉइंट A पर डेल वन एंगल से विचलित हो रही है, डिस्ट्रक्टेड हो रही है, और पॉइंट बी पर फिर डेल टू कोण से जो विचलित हो रही है, इन दोनों का योग हो जाएगा तो जो फाइनल विचलन है वह आ जाएगा डेल। तो डेल वन प्लस डेल टू की हम वैल्यू ऐड करके हम संपूर्ण विचलन निकाल लेंगे और अंतिम प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है, तो हमें अंतिम प्रतिबिंब F2 पर जो संपूर्ण दो निकाय हैं, अगर जो लेंस सिस्टम है इसके द्वारा जो समतुल्य फोकस दूरी है, इक्विवेलेंट लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, जो हमें प्राप्त हो जाएगी, वही सब हमने यहाँ पे लिखा है। हमने माना है, माना दो पतले लेंसेस L1 व L2 है जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। F1 है और F2 है इनकी, जो कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण OA लेंस L1 पर मुख्य अक्ष से ऊंचाई H1 पर काटती है। जो आपने देखा है कि जो यहाँ पे OA इंसिडेंटल रेज है जो कि H1 ऊंचाई पर है और मुख्य जो लेंसेज है उसके पॉइंट A पर काटती है, और विचलन के पश्चात डेल वन विचलन के द्वारा AB दिशा में चली जाती है अपवर्तित किरण, वही सब हमने यहाँ पे भी लिखा है। H1 पर जो कि अपवर्तन के पश्चात डेल वन पर विचलित होकर AB दिशा में जाती है। यदि लेंस L2 नहीं होता तो लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 पर बनता। अगर जो लेंस L2 नहीं होता तो जो L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब है वह द्वितीय फोकस F2 पर बनता, लेकिन होने के कारण वह फिर से विचलित हो जाएगी। लेकिन जो द्वितीय फोकस L2 की उपस्थिति, जो द्वितीय लेंस है L2 की उपस्थिति के कारण यहाँ किरण AB दूसरे लेंस L2 पर टकराती है, यहाँ द्वितीय लेंस L2 पर टकराती है और तथा अपवर्तन के पश्चात फिर से वह अपवर्तित हो जाती है, फिर से वह रिफ्रैक्टेड हो जाती है, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर से डेल टू कोण से विचलन होता है, इसमें डिस्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाता है डेल टू कोण का, और डिस्ट्रक्टेड होने के पश्चात VF2 दिशा में
कमआउट रेस हो जाती है, जो फाइनल रेस कमआउट होती है, फाइनल निर्गत किरण, और फाइनली यह VF2 दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यह कमआउट रेस है यह VF2, और यहाँ पे इसका फाइनल प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। VF2 निर्गत दिशा में निर्गत होती है, जिससे कि लेंस, जो कि लेंस निकाय या फिर लेंस सिस्टम है, के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब हमें बिंदु F2 पर प्राप्त होता है। इस प्रकार जो हमें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात हो गई है F2 पर। हम इसका अभी कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम मान लेंगे कि जो पॉइंट V है लेंस L2 पर, पॉइंट V की जो O2 है इससे लाइट सेंटर है, इससे ऊंचाई H2 है, पॉइंट बी की ऊंचाई H2 हमने यहाँ पे मान ली। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, माना बिंदु बी की मुख्य अक्ष से ऊंचाई H2 है। अब जो प्रथम लेंस है L1 के द्वारा, यदि जो कोणीय हमने देखा था कि जो पॉइंट लेंस L1 है उसके द्वारा इसका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा था लेंस पॉइंट ए पर, तो अगर वह जो डिस्ट्रक्शन एंगल है वह बहुत कम हो, स्मॉलेस्ट हो या स्मॉलर हो, तो L1 जो है इसकी वैल्यू कम हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो हम देखेंगे जो त्रिभुज ट्रायंगल O1AF2 है उसमें हम L1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जो विचलन है वह जो कि लंब और आधार tan थीटा लगा देंगे हमें, तो हमें L1 प्राप्त हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, अगर आपको ट्रिक याद होगी लाल बटे का, तो साइन कोस tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो वही हमने यहाँ पे लंब बटे आधार लगा देंगे। और जो लेंस L2 है उसके लिए अत्यंत जो कोणीय विचलन है, डिस्ट्रक्टेड एंगल है, वह अगर हम बहुत ही सूक्ष्म माने, अत्यंत सूक्ष्म माने, तो हमें L2 भी प्राप्त हो जाएगा। L2 में भी हम tan थीटा लगा देंगे तो हमें L2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रायंगल O1AF2 लिया है। O1AF2 में आप देखेंगे कि जो एंगल है वह L1 है, और इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए हम इसमें लंब बटे आधार लगा देंगे तो हमें एंगल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम tan L1 लगा देते हैं। और हमें L2 की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल O2BF2 ले लेंगे, जिसमें हम tan L2 लगा देते हैं, लंब बटे आधार यहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो L1 है वह हो जाएगा O1A upon A1 O1F2। ठीक इसी प्रकार जो L2 है वह हो जाएगा O2B upon O2F2। अब जो इसकी वैल्यू है, O1A की वैल्यू हमने H1 मानी है, और O2 और B की जो वैल्यू है, O से B की वैल्यू, इसकी ऊंचाई हमने H2 मानी थी, तो यह हो जाएगा H1 upon O1F2, और यह हो जाएगा H2 upon O2F2। सो हमने यहाँ पे tan थीटा ले लिया है, tan L1 इज इक्वल टू हो जाता है, हो गया इसकी वैल्यू लंब बटे आधार, तो लंब हमने देखा था O1A था, और जो आधार है वह O1F2 था, तो O1F2 इनकी हमने वैल्यू पुट अप कर दी। जो O1A था वह H1 था, और जो O1F2 था, चूँकि लेंस L1 की हमने फोकस दूरी F1 मानी थी, तो हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ठीक इसी प्रकार हम लेंस L2 की जो कोणीय विचलन है उसे अत्यंत कम माने, जो एंगल डिस्ट्रक्शन है L2 उसे अत्यंत कम माने, तो हमें L2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो tan L2 की वैल्यू हो जाएगी H2 upon F2। इसी प्रकार हमने निकाल ली, इसे इक्वेशन सेकेंड दे दी है। फिर अगर हम चित्र में देखें, तो जो चित्र है उसमें अगर हम देखें, तो जो लेंस L1 के द्वारा आपतित किरण F2 पर बनती, वट पॉइंट B से वहाँ फिर से अपवर्तित हो जा रही थी, और उसका फाइनल प्रतिबिंब F2 पर, कैपिटल F पर बन रहा था। तो हमने वहाँ पे चित्र में वही हमने देखा है, चित्र से तथा चित्र से आपतित किरण जो कि जो रेज है वह फाइनली जो चित्र में हम देखें तो पॉइंट बी से अपवर्तित होकर F2 पर प्रतिबिंब दे रही थी। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो हमें A2 पॉइंट से हमें यह आती हुई प्रतीत हो रही थी, तो हम यहाँ पे अविलंब A2 H2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डेल का मान चाहिए था। कैपिटल डेल का मान हम कैसे निकालेंगे, हम वही लंब बटे आधार फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें tan डेल से A2 H2 अपॉन H2 F2 जो वैल्यू है, इससे हमें एंगल डेल की प्राप्त हो जाएगी वैल्यू, तो वही हम कर रहे हैं। सो
जो A2H2 है वहाँ उसकी जो लेंथ है वहाँ H1 के इक्वल है, अगर आप चित्र में ध्यान से देखें तो, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू H1 मान ली है। और जो H2F2 है उसकी वैल्यू हमने, जो फोकस लेंथ है उसको हमने कैपिटल F मानी हुई है, तो कैपिटल F हम रख देंगे फोकस लेंथ। फिर से हम ट्रायंगल VF2 और कैपिटल F2 से स्पष्ट करें तो हमें जो डेल की वैल्यू हो गई, जो फाइनल वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो कैपिटल डेल है उसकी वैल्यू डेल 1 प्लस डेल 2 के इक्वल है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो A2, F2 और जो पॉइंट B है इस एंगल में जो डेल की वैल्यू है यहाँ पे बहिष्कोण प्रमेय लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो डेल की जो वैल्यू है वह आंतरिक कोणों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल की वह डेल 1 प्लस डेल 2 हो जाएगी, F2, कैपिटल F2, स्मॉल F2 और पॉइंट B पर। तो इसकी जो वैल्यू है डेल 2 प्लस डेल 1 इज इक्वल टू कैपिटल डेल हो जाएगा। सो जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह हम इस इक्वेशन में रख देंगे, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। तो हमें जो डेल की वैल्यू थी वह प्राप्त हुई थी H1 कैपिटल F2 इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 हो जाएगी, जो कि डेल 1 की वैल्यू थी, और जो प्लस था तो प्लस लगा दिया, और जो डेल 2 है उसकी वैल्यू थी H2 अपॉन कैपिटल स्मॉल F2। तो यहाँ हमने इसे इक्वेशन 4 दे दिया है। अब हमें इक्वेशन 4 तो प्राप्त होगी लेकिन हमें H2 की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे समरूप त्रिभुज का फंडा लगा देंगे। तो आपको पता होगा जो समरूप त्रिभुज है उसकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें त्रिभुज जो ट्रायंगल AO1 और F2 है स्मॉल F2 उसकी जो वैल्यू है वह ट्रायंगल O2B स्मॉल F2 के बराबर, जो एक दूसरे के समरूप हैं। आप देखें कि यह जो त्रिभुज है AO1F2 वह BO2F2 के समरूप है, इस ट्रायंगल के समरूप है, तो इनकी जो भुजाएं हैं वह अनुपातिक होंगी। अर्थात जो AO1 है वह AO1 अपॉन BO2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो O1F2 है उसके अपॉन में आ जाएगा O2F2। तो वही हमने यहाँ किया है, अतः जो ट्रायंगल AO1F2 तथा ट्रायंगल BO2F2 समरूप हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो वही हमने यहाँ पर फंडा लगाया है, तो जो भुजाएं O1A अनुपात में आ जाएंगी O1F2 इज इक्वल टू O2B जो है वह अनुपात में आ जाएंगी O2F2 के। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो हमने इनकी वैल्यू निकाल रखी थी, जो O1A है इसकी वैल्यू हमने देखी थी H1 है, तो हमने H1 वैल्यू पुटअप कर दी है, और O1F2 जो है इसकी वैल्यू हमने स्मॉल F2 जो कि फर्स्ट लेंस की फोकस दूरी है F1 रख दी है। ठीक इसी प्रकार हमने O2 और B की जो देखी थी इसकी जो लेंथ है वह H2 है, और जो कि O2 और F2 है वह तो और डिस्टेंस दूरी D पर रखी है, और जो फोकस लेंथ है F1 थी इसकी वैल्यू चूँकि O1F2 थी, तो हम इसको अगर D से F1 घटा देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी O2F2 की। तो वही हमने यहाँ पे किया है F1-D। अब हमें H2 की वैल्यू चाहिए थी इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो H2 इज इक्वल टू हो जाएगा H1F1-D/F1। अब जो हमें H2 वैल्यू प्राप्त हुई है वहाँ हम इक्वेशन 4th में रख देते हैं। इक्वेशन 4th में हमने वैल्यू रखी है, पुटअप करी है, तो हमें प्राप्त हुआ है H1/F इज इक्वल टू H1/F1 प्लस H1×F1-D जो कि इसकी वैल्यू थी अपॉन F1 था, और F2 पहले ही से था तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा F1×F2 हो जाएगा, तो 1/F इज इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर भी H कॉमन है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, तो इन सभी से H कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन निकाल के हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट हो चुका है। 1/F इज इक्वल टू अब हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1/F इज इक्वल 1/f1 प्लस F1-D/F1×F2। अब अगर यहाँ पे हम LCM ले लें तो LCM आएगा F1F2 तो स्मॉल F1F2 हमने यहाँ पे LCM ले लिया है, तो हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू LCM लेने पर F1 से तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा प्लस F1 और F2 तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी प्लस F1-D।
इसको अगर हम इसको ऊपर कर सकते हैं, अंश को हर और हंस को हर में ला सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों का हम कर रहे हैं, अर्थात हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ वन इंटू एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू माइनस डी, जो कि यही समीकरण जो है दूरी d पर रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए गाइज, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।